एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दो अलग अलग टाइप्स के अंडर आर्म्स की वैक्सिंग। आप लोग को अंडर आर्म्स की वीडियोज बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियोज देखिए, हेयर कट की भी और हेयर स्टाइल की वीडियोज भी आप लोग को अच्छी लगती है, बट अंडर आर्म्स की वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। बट हेयर स्टाइल भी बस यूनिक टाइप्स की मैं लेके आ रही हूँ अपने चैनल पर। हेयर कट की ऑल टाइप्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल रही है, तो जरूर देखिएगा। और आगे भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहूंगी। तो आज का टॉपिक है अंडर आर्म की वैक्सिंग। दो अलग अलग लड़कियों का अंडर आर्म का वैक्सिंग किया है मैंने इसमें, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों की वैक्सिंग का दिखाने वाली हूँ। और जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है तो सब लोग को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो हेयर कट के अंदर ही ऐड कर दी है, आप वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें आपको हेयर फॉल, वाइट हेयर की प्रॉब्लम और बालों की जड़ें जो कमजोर हो जाती हैं उसके लिए सीरम बनाने के लिए बताया हुआ है। उस सीरम से आपके बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। आप उस सीरम को लगा के जैसे आप डेली अप्लाई कर सकते हो, आप हेयर वॉश ना करो तो भी चलेगा। आपको फर्स्ट यूज से ही काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और डैंड्रफ 100% रिमूव हो जाते हैं। उससे आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा, आपके जो व्हाइट हेयर है वो भी धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाएंगे, आपके बालों की लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ती है इस वाले सीरम से। एंड जो हेयर ग्रोथ मतलब झड़ चुके होते हैं बाल, उसको भी उगाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको टिप जरूर जाके देखिएगा। इसको मैंने बनाया था मेथी लहसुन की 4-5 कलियां एंड प्याज से, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो आप जरूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर दोबारा से वीडियो जरूर शूट कर दूंगी। और स्किन केयर रूटीन भी लेके आऊंगी, अगर आप लोग को चाहिए तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल के नीचे जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, मेरी इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24 एंड एक और चैनल है मेरा इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अपनी व्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में इंटरेस्ट हो तो प्लीज उस चैनल पर जाइए और उस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो भी चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए और मैं मस्त मस्त व्लॉग की वीडियोज लेकर आती रहूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा मेरे उस चैनल पर अगर आप लोग बने हो तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे मैं राजस्थान आ चुकी हूँ और यहाँ पे ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, इसलिए मैंने कैप वगैरह सब लगा रखा है और ऐसे ही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए। तो गाइस, ये फर्स्ट गर्ल जिनका हम लोग अंडर आर्म की वैक्सीन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मतलब आप अंडर आर्म की वैक्सीन कर रहे हो तो पहले उसको अच्छे से पानी में कॉटन या स्पंज गीला करके उस एरिया को पोंछ दीजिए जहाँ पर आप वैक्स करने वाले हो। उसके बाद से आपको उसको पोंछने के बाद से ड्राई कर लेना है और उसके बाद से आप वैक्स लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एलोवेरा वाला वैक्स लगाया है, बहुत ही अच्छा वैक्स है। और वैक्स को गर्म करके जितना आपकी बॉडी स्किन सह पाए, मतलब जितना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वैक्स को आपको लगाना है। जैसे कि आपके हेयर की ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो आपको ऊपर की तरफ से वैक्स लगाना है। यहाँ पे हेयर वैक्स की ग्रोथ ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ वैक्स को लगा दिया है और पट्टी को इस तरीके से चिपका लेना है। ओके, और अच्छे से ऐसे दबाते हुए पीछे की तरफ से स्किन को खींचेंगे और तुरंत जस्ट ही आपको गीला स्पंज जहाँ से आपने हेयर निकाले हैं वहाँ पे गीला स्पंज रख देना। उससे क्या होगा कि कस्टमर को पेन फील नहीं होगा और बहुत अच्छे से वैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दबा लिया, उसके बाद से जो हेयर बचे हुए हैं उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे हेयर को, और उसके बाद से फिर दोबारा से वैक्स लगाएंगे। यहाँ पर जो एक दो हेयर बचे हैं उसको भी रिमूव कर लेना है। ओके, आप देख सकते हो थोड़े से हेयर यहाँ पे बच रह गए हैं, अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है, उसके लिए आपको दोबारा से वैक्स लेना है। और जिस तरफ से वैक्स की हेयर की ग्रोथ है उस तरफ से आपको वैक्स को लगा लेना है, देन फिर से पट्टी चिपकानी है ऐसे। हाँ, जब आप वैक्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जहाँ पे आपने वैक्स किया है वहाँ पे अच्छे से क्लीन कीजिए और मसाज करना बिल्कुल भी ना भूले। मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो के एंड में मैं मसाज करके भी दिखाऊंगी। तो ये हमारा एक अंडर आर्म का वैक्स अच्छे से हो गया है। ओके, तो अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है और ड्राई कर लिया है फेस में मसाज क्रीम लगा के। मैं यहाँ पे आयुर का मसाज क्रीम यूज करती हूँ, आप कोई भी कंपनी का मसाज क्रीम यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मसाज क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरी गर्ल्स का हेयर रिमूव करने वाली हूँ मैं, तो इनके हेयर की ग्रोथ कैसे है वो देख लीजिए। और फिर मैंने पहले अच्छे से मैंने इसको वाटर से क्लीन किया, फिर ड्राई किया, फिर पाउडर लगाया है यहाँ पर। पाउडर लगाने के बाद से आप देखोगे हेयर की ग्रोथ किधर से है, तो आधी हेयर की ग्रोथ ऊपर की तरफ से है और आधी है साइड की तरफ से। तो ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से वैक्स लगा लिया है। पहले मैंने पूरे हेयर पे ही ऊपर की तरफ लगा दिया था, जो बचेगा
लगा लेंगे वहाँ पे वैक्स। इस तरीके से पट्टी लगानी है, रब करनी है, दबाना है अच्छे से। बैक साइड से आपको हैंड को खींचना है, स्किन को अच्छे से चिपका लेना है पट्टी को। दोबारा से पाउडर लगा देते हैं, जहाँ पे अगर आपकी ना चिपकी हो पट्टी तो अच्छे से चिपक जाएगी पाउडर लगाने की वजह से। फिर पीछे से इस तरीके से हाथ को खींचते हुए एकदम झटके से आपको हेयर को रिमूव करना है, पूरा झटके से ऐसे खींच के। ऐसे देखिए, एक ही बार में पूरा क्लीन हो गया। आप हाथ रख दो या फिर गीला स्पंज रख दो, उससे क्या होगा, कस्टमर को पेन कम फील होगा और अच्छे से उनको ज़्यादा पेन नहीं होगा, बहुत ही रिलैक्स मिलती है। तो आप ज़रूर लगाइए। फिर ये यहाँ पे भी हेयर बचे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने पाउडर लगा दिया ऊपर। जैसे जितना मैंने लगाया था वैक्स, उतना एक बार में ही क्लीन हो गया है अच्छे से। तो जब आप पट्टी खींचते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका जो जो जब आप पट्टी खींचते हो तो स्किन को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे भी इनके सारे हेयर ऊपर की तरफ से ही थे, तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ से वैक्स को लगा दिया है और फिर से पट्टी को चिपकाऊंगी। आप ड्रेस रिमूव करा लीजिए कस्टमर की, इन्होंने नहीं रिमूव की तो मैंने ऐसे ही मतलब वैक्स कर दिया है, क्योंकि ड्रेस रिमूव रहेगी तो कहीं के भी हेयर बचेंगे नहीं। जो आपने पार्लर में ड्रेस रखते हो वो पहना दो आप कस्टमर को, और पीछे से स्किन को टाइट करो। स्किन को टाइट करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से हेयर को निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपको वैक्स कर लेना है, आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपके हेयर बहुत हार्ड है या फिर आपने रेजर का यूज़ किया है, फिर क्रीम का यूज़ किया है, तो आपको ब्लड आ सकती है, तो उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप करा रहे हो, जैसे आपने हमेशा अभी तक तो आपने रेजर यूज़ किया है, फिर आपने ये वैक्सिंग कराई, तो जब आप रेजर यूज़ करते हो ना तो आपके हेयर बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो कई बार ब्लड भी आ जाता है, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे मसाज क्रीम लगा के अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज कर दो, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगी और जो भी ब्लड वगैरह निकला होगा वो भी अच्छे से बंद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इनकी वैक्सिंग कर दी है, क्रीम लगा के और मसाज भी कर दिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आया हो कि वैक्सिंग अंडर आर्म की वैक्सिंग कैसे करनी चाहिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो आई होप आप लोग को ये वैक्सिंग की वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने टिप्स दी थी स्टार्टिंग में वो जरूर ट्राई कीजिएगा, हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंडियन यूट्यूबर प्रीति भाई चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा और प्लीज जल्दी जल्दी उस चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए और अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए उस चैनल पर भी लेकर आते रहूँ। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज अपना ख्याल रखिए, ठंडियों का मौसम चल रहा है, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को ग्रो करा दीजिए। बाय बाय।